नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में बुरे फंसे हैं। दरअसल उस मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ 47 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट केस फाइल किया है और वह केस जिस जज के सामने पहुंचा है वो अपने आप में काफी प्रसिद्ध हैं, सख्त हैं और आदेश देने के लिए जाने जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जस्टिस बीआर गवई की। उनके सामने मोदी जी के चहेते मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का केस पहुंच गया। उनके नेतृत्व वाली सरकार के आंखों के सामने फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर अवहेलना हुई, उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि जस्टिस बी आर गवई ने एक आदेश पारित किया था कि पूरे देश में अगले आदेश तक कोई भी बुलडोजर से घरों को गिराने का काम नहीं होगा, चाहे कोई भी अपराधी कितना बड़ा ही क्यों ना हो, बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक रहेगी। लेकिन यूपी के बाद असम ने भी कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने में लगी है, विपक्ष के नेताओं को जांच एजेंसियों के दम पर सलाखों के पीछे भेजने में लगी है, लेकिन अब हिसाब बराबरी का होने लगा है। जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर ही कंटेम्प्ट का केस ठोका तो सुप्रीम कोर्ट से तुरंत फैसला आ गया और झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो गई, जो लगभग एक साल से लटकी हुई थी। और उसके बाद अभी कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया को फंसाया जाना है और ऐसे में सिद्धारमैया ने सबसे पहले अपने राज्य में सीबीआई की एंट्री बैन की और दूसरी तरफ ईडी के सुपर बॉस यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी केस दर्ज किए गए हैं और फिर यह केस बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है कि तुरंत दर्ज करके 10 तारीख को इस मामले में सुनवाई करो। हिसाब तो बराबरी का होने लगा है, देश में अब यही सिस्टम चलने लगा है। हालांकि यह जनहित में कतई नहीं है, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है तो इस मामले में पूरी रिपोर्ट क्या है। जस्टिस गवई किसी को सस्ते में नहीं छोड़ते, उनके आदेश और उनकी टिप्पणी इतनी कड़ी होती है कि मोदी सरकार का भी पसीना छूटता है। इसके अलावा जो भी उनके रडार पर आता है, चाहे फिर वो हाई कोर्ट का जज ही क्यों ना हो, बचता नहीं है। जस्टिस गवई के सामने क्या क्या केस आया है, असम से कैसे 47 लोगों ने कंटेम्प्ट केस फाइल किया, क्या मामला है, वो हम अब आपको डिटेल में बताते हैं। हेडलाइन में भी कहा गया है कि असम के 47 निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर उनके घरों को अवैध रूप से ध्वस्त किया गया है, वो भी तब जब बी आर गवई ने इस मामले में रोक लगा दी है और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि खबरदार, अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की तो हमें दूसरी रिमेडी करनी भी आती है और हम इस मामले में कोई और सख्त आदेश पारित कर देंगे जो सबके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। इसके बावजूद हेमंत बिस्वा शर्मा को लगता है कि भाई मोदी जी हैं तो फिर किस बात का डर है, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आएगा तो अध्यादेश है ना, पलट देंगे। और यह खेल जो है बहुत गलत है, बहुत बुरा है। आइए रिपोर्ट में क्या क्या कहा जा रहा है जरा समझिए। याचिकाकर्ता का दावा है कि असम के अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घरों को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित करके इस आदेश का उल्लंघन किया है और दावा किया है कि वे भूमि पर अतिक्रमणकारी हैं। याचिका में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की गई है। यह मामला न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के बी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध भी कर ली गई है। अब इस मामले पर सुनवाई होती। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो मोदी जी के खास फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि वो भी हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करते रहते हैं,
हिंदुत्व की बातें करेंगे, बुलडोजर से घरों को गिराएंगे, मदरसा ध्वस्त करेंगे, इनके लिए धर्म विशेष को टारगेट करना बड़ा ही आसान तरीका है। लेकिन अब जवाबदेही तय होने वाली है। कहा जा रहा है याचिका में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 20 सितंबर 2024 के पिछले आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसमें असम के महाधिवक्ता ने यह वचन दिया था कि जब तक याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बावजूद अधिकारियों ने कथित तौर पर विध्वंस प्रक्रिया जारी रखी, जिससे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है। और फिर इस मामले में जवाब तो देना पड़ेगा। अब यहां रिपोर्ट को यह भी समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी यह मानना है और कई लोगों का मानना है कि सर पर जो छत है उसे भी आप मौलिक अधिकार के कैटेगरी में समझिए। यह कहा जा रहा है आवास आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जैसा कि माननीय न्यायालय ने कई मौकों पर माना है, और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार का एक अभिन्न अंग है। नागरिकों के इस अधिकार को स्पष्ट रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना छीना या उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कथित अपराधों के लिए दंडात्मक उपाय के रूप में प्रतिवादी राज्य में अधिकारियों द्वारा संपत्तियों को ध्वस्त करना भी संविधान के तहत गारंटीकृत इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में यह दावा किया गया है। बात तो सही है कि आप कैसे इसका उल्लंघन कर सकते हैं, और वो भी ऐसे ऐसे राज्य में जो पहले से ही यहां सुप्रीम कोर्ट के या अन्य अदालतों के रडार पर है। फिर चाहे योगी जी का उत्तर प्रदेश हो या हेमंता जी का असम हो, इन दोनों राज्य में बुलडोजर कार्रवाई बेरोक टोक चलती रही है, और इसे ही अंतिम पर्याय समझ लिया गया है। ना कोर्ट ना कचहरी, सिर्फ बाबा जी का और नेताजी का बुलडोजर चलेगा, ये सिस्टम हो रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर को गिराने के लिए असम की सरकार या उनके अधिकारी आमादा हैं, वो शायद भूल गए कि उस जमीन पर रह रहा परिवार आज से नहीं पिछले 7-8 दशकों से रह रहा है। ऐसे में इनके पास उस मकान के बिजली बिल, आधार कार्ड या फिर पानी का बिल, ये तमाम दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। इन याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इन लोगों ने कभी भी इस जमीन पर मालिकाना हक का दावा नहीं किया, लेकिन यह जमीन आदिवासी की है, ना ही इसके मूल प्रकृति से इन लोगों ने कभी छेड़छाड़ की है, ना ही कभी किसी नियम का उल्लंघन किया है। इन्होंने बताया है कि 1920 या उससे पहले से ही उनके पूर्वज इस जमीन पर रह रहे हैं, इन लोगों का उस जमीन पर पहले से ही घर है, सब कुछ है, आवास है, जो भी परिवर्तन किया गया हो, लेकिन जमीन की भावना से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर यह गलत है तो फिर इनके यहां बिजली पानी ये तमाम चीजें कैसे मुहैया कराएंगी, क्या वोट पाने के लिए, किस कारण से ऐसी सुविधाओं का वहां इजाफा हो गया, तमाम ऐसे सवाल है। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा यह है कि जिन 47 लोगों ने कंटेम्प्ट का केस ठोका है, वो असम के मुख्यमंत्री से बराबर हिसाब चाहते हैं। क्या असम के मुख्यमंत्री को यह बातें संज्ञान में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि सरकार ऐसे लोगों को हमेशा टारगेट क्यों करती है, जिनके सिर पर कहीं और छत होने का ठिकाना नहीं, उन्हें छत छीन कर क्या साबित करना चाहती है? जो लोग पिछले 100 साल से रह रहे हों, वो अचानक से इनके लिए कष्टप्रद क्यों हो जाते, क्यों उनका घर गिराना है? कभी अपराधी साबित कर पूरे परिवार को दोषी बना देना, उनके घरों को तोड़ देना, यह कहां तक जायज है? यह एक सवाल है। याचिका में चूंकि निश्चित तौर पर किसी ढंग के वकील से ही बनवाए होंगे इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट में जब कंटेम्प्ट फाइल करना है तो तर्क दिया है कि सरकारी अधिकारियों ने बिना कोई पूर्व सूचना जारी किए याचिकाकर्ताओं के घर पर तोड़फोड़ के लिए लाल स्टिकर लगा दिए। उनका तर्क है कि यह कार्रवाई कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, खासकर असम भूमि और राजस्व विनियमन के अध्याय 10 की धारा 165(3) का, जिसके तहत अधिकारियों को बेदखली का नोटिस जारी करना और किसी भी तोड़फोड़ से पहले रहने वालों को खाली करने के लिए 1 महीने का समय देना आवश्यक है। लेकिन
यह जो विध्वंस का आदेश दिया जा रहा है वह न्याय प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई नहीं होगी उसका भी क्लियर उल्लंघन मालूम पड़ता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जस्टिस गवई हेमंत बिस्वा शर्मा की कोई क्लास भी लगाते हैं या फिर याचिकाकर्ता के याचिका को ही खारिज कर दिया जाएगा। तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है और मोदी जी के चहेते सरकार को क्या आदेश देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।